Module 30, Clinical Assessment, Formal Assessment. So when we talk about the clinical assessment, we are talking about the two type of assessment. One is named as formal assessment, the other one is named as informal assessment. So in formal assessment, we are basically used a different standardized test. And when I'm saying that we are going to use different standardized tests, that mean actually that those tests have certain प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग एंड द नॉम्स सो वट वी मीन बाय द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट इट बेसिकली मीन्स के जो टेस्ट है वो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो सकेगा और उस एज ग्रुप के लिए सर्टन नॉर्म्स जो है वो डवेलप हुए होंगे अब वो सर्टन नॉम्स जो है वो कैसे डिवेलप हुए होंगे वो इस तरह डिवेलप हुए हुए होंगे कि अगर एक आ, दस साल का बच्चा है तो वो कितना स्कोर मैक्सिमम उस स्केल के ऊपर अचीव कर सकता है तो जब हम 10 साल के बच्चे के ऊपर वो टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे तो हम उसका स्कोर कंपेयर करेंगे आ, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश नॉर्म है जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो उसका स्कोर है वो एवरेज में आ रहा है अबव एवरेज में आ रहा है या बिलो एवरेज में आ रहा है तो जब एक हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है तो उसका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिसके अंदर जो ज़्यादातर कॉमनली यूज किए जाते हैं उनमें एक अचीवमेंट टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट है और एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं जो कि स्टैंडर्डाइज होते हैं और वो इसमें यूज किए जाते हैं तो नंबर वन इज़ द अचीवमेंट टेस्ट अब अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली क्या है कि ये वो टेस्ट होते हैं जो कि मैयर करते हैं अकम्पलिशमेंट यानी एकम्पलिशमेंट ऑफ द लर्न मटीरियल जो कि किसी भी बच्चे ने एक स्टैंडर्डाइज इन्वायरमेंट के अंदर या एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के लर्न किया हो अब इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है वहां पर बच्चा जाता है वहाँ पर उसको एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में एजुकेशन दी जाती है और उस एजुकेशन के बाद उसके ऊपर डिफरेंट किस्म का कोई टेस्ट लिया जाता है जिससे उसकी पता चलता है कि जो उसने लर्न किया है वो कितने परसेंट किया है तो इस तरह के टेस्ट जो हैं उनको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं अब जो अचीवमेंट टेस्ट है वो आपको प्रिडिक्ट करता है कि आइदर द चाइल्ड और द पर्सन इज केपेबल फॉर डूइंग दैट थिंग फर्दर इसको आप यूँ समझ सकते हो कि अगर एक Uh, बच्चा जो है वो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो सीख रहा है उसने एक सेमेस्टर में उसे पढ़ा है और उसमें उसका स्कोर अच्छा आया है फॉर एग्ज़ाम्पल अबव एवरेज आया है तो क्या वो कोर्स जो है वो बच्चा नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकेगा तो डेफिनेटली वो पढ़ सकेगा बिकॉज ही और शी स्कोर अबव एवरेज बट वेन वी टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट तो इसका मतलब ये है कि हम Uh, किसी भी uh, बच्चे की जो है इंटेलेक्चुअल uh, एबिलिटी उसको मैयर कर रहे होते हैं उसकी वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग को जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैरायटी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग दैट्स मीन दैट द चाइल्ड हैज़ डिफरेंट एबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल रीजनिंग जजमेंट तो इन एबिलिटीज़ को मैयर करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डिवाइस किए जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का जो स्कोर होता है वो हमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन देता है ठीक है आई लेवल देता है और ये आई लेवल जो है ये डिटर्मिन करता है कि किसी भी शख्स की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो कितनी है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो आई क्यू लेवल है हंड्रेड इज़ द एवरेज आई क्यू लेवल और जिस वक्त डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट बच्चे के ऊपर एडमिनिस्टर किए जाते हैं एंड इफ़ द चाइल्ड स्कोर हायर दैन हंड्रेड तो उसका मतलब ये है कि उसका जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है दैट इज अबव एवरेज और अगर उसका आई क्यू लेवल जो है वो हंड्रेड से बिलो लाई करेगा तो हम ये कहेंगे कि उसका जो आई क्यू लेवल है uh, वो बिलो एवरेज है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो इन रेफरेंस टू क्रोनोलॉजिकल एज भी दिया जाता है यानी ये ये भी डिटर्मिन करता है कि एक शख्स का जो मेंटल एज uh, है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के कंपैरिजन uh, में कितनी ऊपर है कितनी नीचे है या कितनी उसके इक्वल है ठीक है तो फॉर तो एग्जांपल अगर एक शख्स है उससे 24 इयर्स का वो है और उसकी मेंटल एज भी जो है वो 24 इयर्स के इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि जो उसका आईक्यू लेवल है दैट इज अप्रोप्रिएट टू हिज और हर एज इस तरह हम बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये डिटर्मिन करता है किसी शख्स के अंदर पोटेंशियल ऑफ लर्निंग फॉर अ स्पेसिफिक थिंग Uh, इसका मतलब ये है कि इसमें हम ये डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि आयदर वन पर्सन इज केपेबल टू बी ए इंजीनियर टू बी अ डॉक्टर और नॉट ठीक है तो ये आमतौर पर उस वक्त बच्चों पे एडमिनिस्टर किया जाता है जिस वक्त दे हैव द चैलेंज टू लर्न और टू एडोप्ट न्यू फील्ड इन देयर लाइफ फॉर आप जिस तरह पाकिस्तान में आफ्टर मैट्रिक जो है वो बच्चों के सामने ये चैलेंज होता है कि वो प्री मेडिकल में जाएं या प्री इंजीनियरिंग में जाएं या आर्ट्स में जाएं तो ऐट दैट टाइम एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करेगा कि आइदर द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी फॉर द प्री इंजीनियरिंग ऑफ प्री मेडिकल और नॉट तो एप्टीट्यूड जब आपने किसी शख्स का डिटर्मिन करना हो तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और वो साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिटर्मिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल वी आर सेंग द पर्सन हैज अ डिप्रेशन तो आयदर द पर्सन हैज़ अ डिप्रेशन और नॉट वी हैव डिफरेंट स्केल्स विच कैन डिटर्मिन आयदर द पर्सन हैज़ द डिप्रेशन और नॉट उधर डिफरेंट किस्म के उनके कट ऑफ स्कोर्स होते हैं जो कि विद रेफरेंस टू द एज और विद रेफरेंस टू टोटल स्कोर ऑन द टेस्ट जो है वो डिटर्मिन किया जाता है और नॉर्म्स डेवलप्ड होते हैं तो वहाँ से उसकी रेंजेस को जो है वो देखा जाता है कि आइदर द पर्सन हैज अ माइल्ड डिप्रेशन मॉडरेट डिप्रेशन और द हाई डिप्रेशन दो सेवेरिटी लेवल जो है वो डिटर्मिन होती है इसी तरह अगर कोई इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो मैरिटल मैल एडजस्टमेंट या मैरिटल एडजस्टमेंट के जो स्किल्स हैं वो भी डिफरेंट किस्म के यूज़ किए जाते हैं इसके साथ साथ पर्सनालिटी को डिटरमिन करने के लिए असेस करने के लिए डिफरेंट किस्म के स्केल्स होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि किसी भी शख्स की जो पर्सनालिटी है वो किस किस्म की है ठीक है आइदर इट इज़ द इनवर्ड और आउटवर्ड और एक्सट्रोवर्ड और वॉट इसी तरह जब आप हमने ये चार डिफरेंट टाइप के जो हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट डिस्कस किए हैं अब इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टू लेवल पे हो सकती है एक इंडिविजुअल और दूसरी ग्रुप लेवल पे। जब हम बात करते हैं ग्रुप लेवल पे तो इसका मतलब ये है कि जो एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव उसके ऊपर आप ये टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसके अलावा इनकी हम इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर एक क्लाइंट आपके पास आया और स्पेसिफिकली यू वॉन्ट टू बी डिटर्मिन कि इसको क्या प्रॉब्लम है या उसकी अचीवमेंट लेवल क्या है या उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है तो वो हम इंडिविजुअल लेवल पे उसे एक अलग रूम में जब बैठा कर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं थैंक यू